सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वह प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था अपने स्पेशल मोटर के बारे में और नेचर ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। तो उसके अपन ने जो स्पेशल मोटर डिस्कस कर लिया, तो अपना इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर वो कम्प्लीट हो चुका था। तो आज अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बगल में जो पहला आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टाइम आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर की बात करें तो उसका फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो क्या होता है, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडहेशन। मतलब किसके लिए होता है, बिल्डिंग यूनिट्स के लिए। तो सच क्या हो गया, ब्रिक्स या स्टोन्स। मतलब कैपेबल की बात करें तो इसके जो गुड एडेंशन है ना, गुड डेवलपिंग की बात करें तो वो कैपेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग डिजाइन स्ट्रेस। तो मतलब कि ये होगा, जब भी अपन किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा है ना, तो उसकी जो डेवलपिंग जो भी कुछ डेवलप हुआ तो वो उस चीज को कैपेबल कर सके। ठीक है, तीसरी चीज होनी चाहिए ये इस तरह का, एक तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी चीप। फोर्थ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। फिफ्थ होना चाहिए, अपने पास इजीली वर्केबल होना चाहिए। एंड सिक्स पॉइंट अगर बात करें तो क्या, सेट क्विकली। मतलब कि क्या है, इट शुड बी, अगर क्विकली सेट होगा अपने पास है ना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा तो क्या होगा, अपना जो टाइम जिस टाइम के अंदर अपन को जो भी मेटेरियल फिल करना है मोटर का जो भी है उसमें अपन काम करने के अंदर ना स्पीड मिलती रहेगी, जिससे क्या है अपने पास जो भी अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे सब अपन को अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, अपन उसमें ज्यादा टाइम के अंदर, मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा अपन वर्क कर सकते हैं। सेवेंथ पार्ट की बात करें, सेवेंथ पॉइंट है अपना, नॉट अफेक्ट दी ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर ये अफेक्ट नहीं करे ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल तो क्या होगा, इट कम्स इनटू द कांटेक्ट। ठीक है, एट पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, जॉइंट्स फ्रॉम द मोटर। ठीक है, जॉइंट्स फ्रॉम द मोटर शुड नॉट डेवलपिंग क्रैक्स। अगर मोटर के अंदर जॉइंट्स अपन क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर फिलिंग प्रॉपर फिल होता है जॉइंट्स के अंदर, जो भी करते हैं मोटर फिल करेंगे प्रॉपर प्रॉपर, तो क्या होंगे इसमें जो क्रैक्स वगैरह ना डेवलप नहीं होंगे। अगर क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, जो अपनी बिल्डिंग वगैरह जो भी होगी ना वो सफिशियंट लॉन्ग पीरियड तक अपने पास चलेगी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो है लास्ट टॉपिक, द यूजेस ऑफ मोटर। मतलब कि जो मोटर का यूजेस कहाँ पे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ छोटे से छोटे छोटे पॉइंट है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है अपना टू बाइंड द बिल्डिंग यूनिट्स है ना। मतलब कि जो बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने काम आती है ना, कौन कौन सी होती है, या तो जो ब्रिक वाली हो गई या फिर स्टोन्स हो गई। ठीक है, या तो मतलब जो ईंट वाली होती है या पत्थर वाली हो गई। ठीक है, सेकंड है अपने पास कैरी आउट पॉइंटिंग एंड प्लास्टर वर्क। ठीक है, ऑन एक्सपोर्ट सरफेस ऑफ मैसनरी। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपने पास कि टू फॉर्म इवन एंड सॉफ्ट बेडिंग लेयर्स। किसकी, बिल्डिंग यूनिट्स की। मतलब कि जो अपने पास जैसे दीवार वगैरह जो भी है ना, उस पर जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसके बाद क्या होती है कि इवन एंड सॉफ्टनिंग बेडिंग लेयर्स का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो एक तरह की शाइनिंग और एक स्मूथनिंग आने के लिए है ना, मतलब स्मूथनिंग करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है कि इवन एंड सॉफ्ट बेडिंग लेयर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट है कि टू फॉर्म जॉइंट्स ऑफ पाइप्स। जैसे जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनको, उनके जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको भी है ना क्या बोलते हैं, फिल करने के इसमें काम लिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें अपने पास तो क्या होता है कि टू हाइड्स ओपन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स वगैरह रह जाते हैं उनको मतलब क्या है, हाइट दबाने गायब करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, एंड छठा पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अपने जो बिल्डिंग हो गई या फिर जो भी कोई अपन चीज हो गई ऐसी, उसमें जो भी स्ट्रक्चर हो गया उसमें जो जो चीजें अपन ने फिल की है या जो जो चीजें की है अपन ने, तो उससे फिल करने से उसकी उसमें क्या होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा है ना। तो एक तरह से क्या होगा, जनरल अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर उसमें इम्प्रूव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लास्ट
और जो राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिया जिससे टाइम टाइम पर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इतना ही, तो आज अपना क्या बोलते हैं मोटर कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।